एक सख्त निर्णय ले वर्तमान सरकार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य ढेर सारी सरकारी योजनाओं का लाभ अभी इसी वक्त बंद करें। अगर बैंक से कोई लोन ले रखा हो तो इनकी गाड़ी, मकान, इनकी झोपड़पट्टी को अभी के अभी जब्त करें। ऐसी भविष्य में औलादे पैदा ना हो, हराम की सुअर की औलादे पैदा ना हो, इसलिए इनकी नसबंदी कराई जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफिनियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वीडियो के सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाके हमारे सेकेंड चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। मूक बनकर अधर्म को जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या हो कर्ण, सब निहत्ते मारे जाते हैं। दासना मंदिर में बच्चे को चाटा मारने पर हाय तोबा, लेकिन दिल्ली के मस्जिद में बच्ची पर हुए बलात्कार पर मौन। मंदिर पर छाती पीटने वाले मस्जिद के अपराध पर मौन क्यों? बलात्कारी मौलवी को फांसी दो। बोलिए बिंदास बोल मेरे साथ। प्रकाश पेशवानी संवाददाता, कैमरामैन मनोज जोनवाल के साथ। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क किधर है आपका? किधर है मास्क? किधर है मास्क? किधर है मास्क? पहन डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पूछिए कैसे, पूछो तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, की है कि जिस नेता को आपने चुना है वो अगर कमजोर हो, यानी अगर आपका नेतृत्व ही कमजोर है, तो सब कुछ होने के बावजूद किसी भी देश के नागरिकों को शरणार्थी बनते देर नहीं लगती। ऐसे कमजोर नेता मुश्किल परिस्थितियों में या तो अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं या फिर दूसरे देशों के साथ सौदा कर लेते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ। इसलिए वोट देते समय हमेशा यह याद रखें कि जिस नेता को आप चुन रहे हैं। जरा जोर से बोलो, बुलंदी से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी शुभ हो जाओ। हेलो हेलो, जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा जिस्म, आप लोगों की मर्ज़ी। मैं बाहर जाऊंगी शलवार कमीज़ में, तब भी आप मुझे नौच खाएंगे, क्योंकि मैंने तो गोश्त खुला छोड़ा हुआ है। और बाकौल आपके, गोश्त खुला छोड़ा जाएगा तो चील, कवे और कुत्ते आएंगे। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने आप को तशबीह तो दे ही दी है जानवरों से, और जानवरों वाली हरकतें तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा जिस्म, आप लोगों की मर्ज़ी। मैं जश्न आज़ादी नहीं मना सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ,
मैं 5-6 साल की भी हूँ तो मैं आपको इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ठीक है? मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह पहुँच जाते हैं। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप मुझे कब्रों में भी नहीं छोड़ते। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह मुझे तलाश कर लेते हैं। आप ना मुझे सोशल मीडिया पे बख्शते, आप लोग ना हमें बाज़ारों में बख्शते, आप लोग हमें ना कब्रों में बख्शते और ना हमें छोटी छोटी बच्चियों को बख्शते। तो आप बाकौल मर्द फजीलत हासिल है, आप प्रोटेक्ट करते औरतों को, तो ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये आप प्रोटेक्ट करोगे औरतों को। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर कोई औरत और मर्द की बराबरी की बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे मर्दों की, ऐसे धरिंदा सिफ्त मर्दों की बराबरी करने का सोच भी नहीं सकती। और मैं उन औरतों से भी यही बात कहूँगी, वी डोंट वांट इक्वालिटी बिकॉज एटलीस्ट वी आर बेटर देन यू। और हमारे औरतों के अंदर दर्द दिल होता है, हम ऐसे सफाक काम नहीं करते, हम कब्रों से निकाल के बेअदबी नहीं करते, हम बच्चों की बेअदबी करके उनको कत्ल नहीं करते, हम आवारा नहीं घूमते, हम पीछा नहीं करते, हम तेजाब नहीं डालते। और अल्टीमेटली मेरा जिस्म आप लोगों की मर्ज़ी, मैं जहाँ बेशक जश्ने आज़ादी वाले दिन शलवार कमीज़ पहन के जाऊँ या मैं जीन्स शर्ट पहन के जाऊँ, आपके लिए तो मैं सिर्फ गोश्त का टुकड़ा हूँ ना, तो मेरा जिस्म आप लोगों की मर्ज़ी। अभी मैंने वीडियोस देखी उस लड़की की, एंड लिटरली मेरी रूह कांप रही है कि अगर वो, चलो टिकटॉकर थी, यूट्यूबर थी, इफ़ शी इज़ अ पब्लिक फिगर दैट डजंट मीन कि वो एक पब्लिक वाली चीज़ है कि आप नोच नोच के उसके ऊपर चढ़ जाओ जहाँ मर्जी। वो गुनाहगार है, मैं भी गुनाहगार हूँ बिकॉज मैं ऑन कैम आ रही हूँ, ठीक है? सारी औरतें गुनाहगार हैं। आप मर्द हज़रात बहुत अच्छे हैं, आपने तो इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो किया, ठीक है ना? आपने तो बहुत बातें मानी है ना इस्लाम की। इस्लाम ने आपको इजाज़त नहीं दी है कि देख भी सको औरत को और आप वहाँ नोचने चढ़ जाते हो, ये आपका इस्लाम है? ओह सॉरी, मेरा जिस्म आप लोगों की मर्ज़ी। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑल पर रख लीजिएगा और हमारे सेकंड चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम भाई सारा ने, यो लड़का है मोहम्मद सद्दाम, जिसकी जन्मतिथि है 1/1/93 और ये इसका आधार कार्ड है और यो इसका पता है कटियार बिहार का ही हो। इसके पिताजी का नाम है मोहम्मद मोशीम और ये मुसलमान है और ये एक हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा है और इसकी पहले भी शादी हो चुकी है और ये हिंदू लड़की से जो शादी करना चाह रहा है वो आधार कार्ड में नाम हिंदू करवाना चाह रहा है। अब इसका नाम हिंदू हो जा और ये लड़की को आज तक किसी ने बता नहीं रखा कि मैं मुसलमान हूँ और ये अपने आप को हिंदू बता के लड़की से शादी करना चाह रहा है। तो ये इस आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने के लिए आया था और यहाँ से पकड़ा गया, हरियाणा में ये रह रहा है, हरियाणा में ये काम कर रहा है। 339B जो नेशनल हाईवे बन रहा है उस नेशनल हाईवे पर ये काम कर रहा है। बता भाई भी बता दे अपने बारे में। और लड़की भाई हरियाणा की लोकल है और ये हिंदू बनकर उसका प्रेम कर रहा है, हिंदू ही अपने आप को बता रहा है। भाई ढंग से बता दे, पूरा पता करने के बाद आया हूँ मैं तेरे पास, यहाँ पर जब उठाया तू लड़की की जात क्या है लड़की की, इसको ये नहीं पता लड़की की जाति क्या है, इसको सिर्फ हिंदू से मतलब है और इसकी पहले शादी हो रही है, इसके बच्चे भी हैं। ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाए, कुछ करने के लायक तो कुछ है ही नहीं। गरीब बंदा है लेकिन तू उसको क्यों फंसा रहा है, लड़की को, उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करने लगा? जब तेरी शादी हो रही पहले, तेरे बच्चे हैं और तू मुसलमान है, फिर उस लड़की ने हिंदू बनना क्यों कर रहा है? उस लड़की को क्यों नहीं बताता सीधा डायरेक्ट क्यों मुसलमान हूँ, क्यों छुपा रहा है? फिर तेरी पहले शादी हो रही तो फिर क्यों कर रहा है दूसरी शादी तू?
दोनों तो सिर्फ हिंदू लड़की दिख रही है क्या कि हिंदू लड़की है अपना शादी कर रहे, जब तेरी पहले शादी हो रही बच्चे रहे तो फिर क्यों कर रहा दूसरी शादी? तो गाँव जाएगा नहीं, गाँव तो हम भेज देंगे अपने एरिया में, तेरे को रहने नहीं देंगे अभी। क्या कर रहा तू हमारे यहाँ पे, काम क्या कर रहा तू? भाई आधार कार्ड यो ले, मोहम्मद सद्दाम ये इसका आधार कार्ड है, यो बैक साइड का इसका कटियार बिहार का, यो अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना आया था कि मेरा नाम सद्दाम हटा के आधार कार्ड नंबर यो रहने दो, लड़की तुम आधार कार्ड दिखाना है तो उसमें इसका नाम हिंदू कर दो। क्या नाम करवाना चाहता था? क्या नाम लिखवाना था तुम्हें आधार कार्ड में? हाँ क्या नाम लिखवाना चाहता था तू आधार कार्ड में, क्या नाम था? आधार कार्ड में नाम क्या लिखवाना था इसमें सद्दाम हटा के? सुनील करवाना था भाई इसने। हम तो आना नहीं चाहते थे लेकिन वो लोग हमको, इसके ठेकेदार के पास साले भाई, आज इसके ठेकेदार के पास मिलके हम इसको अपने हरियाणा में नहीं रखेंगे, अब इसको हम यहाँ से कुरियर कर देंगे इसका। हमने ऐसे गंदे आदमी जो धर्म बदल कर यहाँ पर गंद फैला रहे ना, हमारे हरियाणा में ऐसे लोगों नहीं रहने देंगे। फिर आप कहोगे कि गरीब आदमी निषेध रहा है, ठीक से ना, हम इसको आज कुछ नहीं बोलेंगे। इसके ठेकेदार के पास जा रहे हैं, इसके ठेकेदार के पास इसको आमने सामने करके और इसका हम कुरियर कर देंगे, अपना बिहार भेजेंगे इसको, यहाँ नहीं रहने देंगे। और दोबारा इस एरिया में उस लड़की नाम का दिख गया ना तो अगली बार मार देंगे, पहले बता रहे हैं। नहीं वापस बोलिए, एक बार और बोलिए, क्या हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा संभव है? मीरा जी हमें तो घोट घोट कर ये पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या, हिंदू मुस्लिम भाई भाई? लेकिन किसी मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा आपने ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदुओं के मुंह से ही सुना होगा, किसी मुसलमान के मुख से आज तक सुना नहीं? क्यों नहीं सुना? अब उसका मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि ऐसा बोलना उसके लिए हराम है, वो बोल ही नहीं सकता, कानून विरुद्ध है उसके लिए। कभी आपने यह सुना ईसाई मुस्लिम भाई भाई, यहूदी मुस्लिम भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, जापानी मुस्लिम भाई भाई? नहीं सुना ना। हिंदुओं को सबसे बर्बाद और तबाह करने वाला कोई वाक्य है तो वो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं मात्र चार आयतें बोलूंगा, आप खुद समझ जाना, आप खुद समझ लो कि क्या कभी भाईचारा कभी हो सकता है, कभी संभव है। मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं जो कुरान मजीद में जो आदेश दिए गए। सबसे पहली लाइन, ला यत खिजिल मुअमिनून अल काफिरीन औलिया। ये चीज मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं इसलिए बोलूं कि ताकि उन नमूनों को भी पता चले कि मुझे भी आता है ये सब बोलना, वो भी तो सुन रहे होंगे ना कहीं बैठे बैठे। नहीं तो कोई ये कह सकता कि ये आदमी काल्पनिक बोल रहा है, इसलिए मैं ये बिल्कुल बोल करके बता रहा हूं। हिंदी अर्थ, हे मोमिनो यानी हे मुसलमानों, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त ना बनाना। समझ गए भाईचारा? अगर कोई मुसलमान है तो ही उसको दोस्त बनाना। हे मोमिनो, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त मत बनाना, अगर बनाया, अब धमकी धमकी बिल्कुल हर आयत में धमकी मिलेगी, अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उसका खुदा से कोई संबंध नहीं रहेगा। खुदा अपने गजब से सबको डराता है, ध्यान रखना तुम्हें लौटकर खुदा के पास ही जाना है, मतलब वहां सजा मिलेगी अगर ऐसा नहीं तुमने हमारी बात ना मानी हो। अब वो लिखते हैं कि क्यों नहीं करना, तो सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 89 में वो कहते हैं, काफिरों से इसलिए मित्रता नहीं करना क्योंकि काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। मतलब हम बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं उस नमूनों को, या हम दुर्गुण छुड़ाने के लिए हुए? ना ना, तुम गंदगी में पड़े रहो, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। आगे वो कहते हैं सूरा 9 की आयत नंबर 23 बिल्कुल स्पष्ट, वो कहते हैं ए ईमान वालों, और इतनी खतरनाक बात लिखी है कि सुनकर आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई लिख सकता है क्या,
ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर काफिर हो जाए, इस्लाम को ना माने, तो तुम उससे भी अपने संबंध तोड़ लो, वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, बाप भी तुम्हारा नहीं, अगर वो इस्लाम को ना माने तो। कुरान में तो ये चीज थोड़ी सॉफ्ट लिखी है, लेकिन यही बात बाइबिल में लिखी है, बिल्कुल ये की है, बाइबिल में और कठोरता से लिखी है। वहां लिखा गया है तुम्हारा बाप भाई परिवार कोई भी सगा संबंधी अगर ईसाई मत स्वीकार ना करे तो पहले तुम अपने हाथों से उसको मारोगे और फिर दूसरे ईसाइयों को सौंपोगे मारने को, चाहे कितना ही अपना क्यों ना। आगे वो कहते हैं, अब भाईचारा कहां, भाईचारा भी है वैसे, भाईचारे की बात भी है एक जगह, वो है सूरा नंबर 49 नंबर में 9 और 10 नंबर की आयत में। वो कहते हैं अगर मोमिनों के दो गुट आपस में लड़ ले, मुसलमानों के दो फिरके आपस में अगर लड़ ले तो उनको लड़ने मत देना, उनमें सुलह करवा देना, समझौता करवा देना। भाईचारा है लेकिन केवल मुसलमान से भाईचारा है। और आगे वो लिखते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया कि तुम काफिरों को ज्यादा देर तक कैद रखो, ज्यादा देर नहीं रखना, उसको अनाज नहीं खिलाना, उसका तुरंत कत्ल करके गर्दन उड़ा करके उसका खून बहा करके जमीन में गाड़ देना। तो जिंदा रहने तक का अधिकार नहीं है किसी को। जो लोग इस्लाम में भाईचारा ढूंढते हैं, जिस प्रकार भैंस के गोबर में सुगंध कभी आ नहीं सकती, जैसे कभी पश्चिम में सूरज नहीं निकल सकता, जैसे नदियां के दोनों धाराएं कभी मिल नहीं सकती, हिंदू इस मुसलमान का भाईचारा क्या, मुसलमान से दुनिया में किसी का भाईचारा नहीं हो सकता। कहीं भाईचारे से रहे ये, किसी कहीं पर भी किसी के साथ भी रहे, गैर मुस्लिम से नहीं रहे ना। अगर आपको भाईचारे का ज्यादा शौक है, आप उनसे भाईचारे की बात करो, आप उनको भाई मानेंगे, वो आपको चारे की तरह चरते रहेंगे। अगर भाईचारा करने की ज्यादा फैशन है, अरे तो आपस में भाईचारा करो, भाईचारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों ना आपस में हम भाईचारा करें, वहां भाईचारा कभी नहीं हो सकता। सावधानी ही सुरक्षा है। ये जाति जहां गई, परसिया में मात्र 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दे दी थी और पूरा परसिया खत्म कर दिया गया, पारसियों को निकाला, बेचारे यहां जान बचा के भाग के आए। ये लोग जहां गए वहां की कौम को इन्होंने नष्ट किया। तो हिंदुस्तान को ही खत्म क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहां संख्या ज्यादा थी, बड़ा देश था, लगे हुए अभी तक है। तो जय श्री राम। वीडियो पे अंत तक बने रहने का आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। इस चैनल पे स्ट्राइक चल रही है तो हमारे दूसरे चैनल को डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।